छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 13 नक्सलियों के शव बरामद हो गए। मंगलवार देर रात तक 10 ही शव मिलने की सूचना थी। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के मुताबिक करीब 18 घंटे चले एनकाउंटर में कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें महिला नक्सली भी हैं। मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ रात करीब 11 बजे खत्म हुई। जवानों ने नक्सलियों के पास से AK-47 LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए। बता दें कि डकल गुड़े मुठभेड़ की आज 30वीं बरसी है और 3 अप्रैल 2021 में इस मुठभेड़ में 22 जवानों को नक्सलियों ने मारा था। वहीं 3 साल बाद इसी इलाके में पुलिस ने एक साथ 13 माओवादियों को ढेर किया। बताया जा रहा है कि जिन नक्सलियों ने जवानों की मुठभेड़ हुई वो नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के प्लांट एंड कंपनी नंबर 2 कमांडर भी हैं। आज सुबह जवानों की सर्चिंग और तेज हो गई है। ये नंगलूर थाने क्षेत्र का मामला है, बीडिया क्षेत्र के अंतर्गत। हम लोग को सूचना मिली थी कि कंपनी 2 और प्लाटून नंबर 11, 12 और 13 के लोग वहां उपस्थित हैं बड़ी संख्या में, जिस पर से हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हमारी खुद की DRG की टीम थी, CRPF कोबरा और SKP की टीम थी। 3 दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें फिर लास्ट में कल जो हमारे जो ये कई मल्टीपल जो फायर्स हुए हैं मॉर्निंग लगभग 4:45 के बाद से शाम को 4-5 बजे तक लगभग लगातार फायरिंग होती रही दोनों तरफ से। और इसके बाद जब हमारी सर्चिंग हुई तो हमें 13 शव जो हमने बरामद किए नक्सलियों के। इसमें जो हमें जो अभी जो तक जो हम लोग का प्राइमरी फेस जो पता चला है, इसमें कंपनी 2 जो है उनके मेंबर्स हैं, साथ में जो प्लाटून नंबर 12 है उसके मेंबर्स हैं, बट अभी शिनाख्त की नहीं हो पाई है। जैसे ही शिनाख्त हो